हेलो भाई मेरुन पवार भाई, इंडेवर चला चला के आज ये हालत हो गई है। देख लो कहाँ पे बैठना पड़ रहा है भाई, क्योंकि भाई इंडेवर 6 की माइलेज देती है यार। 7,500 रुपये की टंकी फुल करवाता हूँ और 500 किलोमीटर चलती है, तो मतलब है भाई हैं बिल्कुल बर्बाद कर दिया है भाई। और मैंने एक साल और रख ली तो ये लगते भी चले जाएंगे। तो अगर भाई आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैंने जैसा हल ढूंढा है वही मैं आज आपको अपना हल बताने वाला हूँ भाई। कहाँ 7,500 रुपये के तेल में वो गाड़ी 500 किलोमीटर चलती है, आज मैंने एक ऐसी गाड़ी ढूंढ ली है जो 500 रुपये के तेल में आपकी 150 किलोमीटर चलेगी। अब वो कौन सी गाड़ी आप भी सोच रहे होंगे, वो गाड़ी है भैया हमारी ये नना दर्दैन। मैं तो खरीद के ले आया हूँ अपने लिए भाई साहब मारुति की फ्रोनेक्स CNG के अंदर डेल्टा में, जो करीबन मेरे को हरियाणा पलवल के साथ कॉस्ट करी है आपकी 10,80,000 रुपये के लगभग। लेकिन जो गाड़ी की माइलेज है, जो गाड़ी के फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मारुति की इस गाड़ी में हमको क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए भाई, डेल्टा वेरिएंट अगर आप लोगे तो भाई ये वेरिएंट आपका बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट है। अभी मारुति फ्रोनेक्स के अंदर आपको सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, उसके बाद जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस देती है 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। एक इसके अंदर 1.0 लीटर का वो आता है, टर्बो इंजन भी आता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले आपको भाई इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे पार्किंग लाइट मिल जाती है, DRL वगैरह आपको इसमें नहीं मिलती है। यहाँ पे आप बात करते हो तो एक सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है भाई, और इसके अंदर आपको हेलोजन लाइट देखने के लिए मिलती है। आफ्टर मार्केट आप बाहर से जाके इसके अंदर LED वगैरह आराम से डलवा सकते हैं। यहाँ पे टोइंग हुक आ रहा है गाड़ी का। ये गाड़ी SUV और हैचबैक का कहीं ना कहीं में मिक्सचर मिलता है। ये बड़ी सी हमको क्रोम की यहाँ पे ग्रिल देखने के लिए मिलती है, और डेल्टा के अंदर भाई बॉडी कलर डोर हैंडल्स आ जाते हैं। सिग्मा में क्या है ना, आपको यहाँ पे मिलता है इंडिकेटर। इसके अंदर अब आप सोच रहे होंगे अलॉय व्हील, ये आफ्टर मार्केट है भाई। इसके अंदर हमको 16 इंच के व्हील कैप्स देखने के लिए मिलते हैं, 195/60R16 की पूरी प्रोफाइल है। और गाड़ी के अंदर 4 नट देखने के लिए मिलते हैं अपने को। यहाँ पे अपने जो मिरर्स मिलते हैं भाई ऑटो फोल्ड नहीं मिलते, हालांकि ये अंदर से बैठ के एक बटन दे रखा है, से हम जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो चाबी लगी रहेगी तो ये ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। अच्छा चाबी से भाई मेरे को याद आया, गाड़ी की चाबी आपको बिल्कुल नॉर्मल बेसिक मिलती है। हाँ जी बाबू जी, कुछ ना देख रहे भाई। हाँ तो देखो भाई, बिल्कुल देखो, देखने लायक चीज़ है भाई तो देखनी चाहिए। इस टाइप की हमको की मिलती है जो आज से नहीं करीबन 2005-06 से मारुति सेम ये चाबी दी जा रही है, जहाँ पे भाई फ्लिप की इन पर आज भी नहीं बनाई जा रही है। कोई इतनी बड़ी चीज़ हो गई क्या, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग आ गई इसमें भाई। इसके अंदर बस केवल एक लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है यही, जब इसको जेब वगैरह में रख लेते हैं। डेल्टा के अंदर ना हमको जो रूफ मिलती है वो नॉर्मल बॉडी कलर्ड ही मिलती है, इसके अंदर हमको मिल रही है ऑल ब्लैक। यहाँ पे रूफ रेल्स भी डेल्टा के अंदर ऐड हो जाती हैं। टेल लाइट है ना इसकी, ये वाली लगती है जैसे दिन के टाइम पे कि पूरी जलती होगी, लेकिन भाई ये जलती नहीं है, जेटा से जल्दी स्टार्ट होती है, डेल्टा प्लस में भी नहीं जलती है। हालांकि बाहर से आप मतलब आफ्टर मार्केट क्रोल वाग वगैरह मार्केट में आती हैं ये पीस एक पूरी उसको आप डलवा सकते हो, लेकिन कंपनी से इन स्टॉक नहीं जलती है ना। इसके अंदर वाइपर आ रहा है, लेकिन आपको डिफोगर देखने मिल जाता है, डिफोगर तो बेस वेरिएंट से ही आ रहा है। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप इसका आएगा, और इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर एक पीछे भी दे रखा है, मतलब आपको आगे से वो बूट खोलने के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको आप दबाएंगे जैसे ही तो हो जाएगा। आपको कंपनी से पार्सल ट्रे मिलेगी, और साथ के साथ मेन चीज जो इसमें है गाड़ी के अंदर, सिलेंडर हमको देखने को मिल जाता है करीबन 8 किलो के लगभग हमको देखने को मिलेगा, और साथ के साथ पेट टायर भी। EVs में लोग बाग बहाना लगा देते हैं, स्पेड टायर नहीं देते, वो पंचर रिपेयर किट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ये दे रखा है। थोड़ा बहुत आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। देखो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे इनकी इसको पार्सल ट्रे को, एक चीज इन्होंने अब भी सुधार नहीं कर रखा इनकी पार्सल ट्रे में, तो ये मेरे को बलेनो के टाइम पे बहुत दिक्कत लगती थी जब मेरे पे बलेनो थी। इनके ये हुक से बहुत जल्दी गिर जाते हैं भाई, जैसे देखो इनके कोई ऐसे ढंग से फिट नहीं है इनमें। अगर मान लो कोई जोत जोश में इसको निकाल लेना तो ये निकल जाए, तो उनको जैसे अगर मैं निकाल दूंगा पार्सल ट्रे को तो यहाँ पे मैं बैग भी रख सकता हूँ बड़ा वाला सूटकेस टाइप भी, और ये जो छोटे स्कूल टाइप बैग होते हैं अपने ये तो कहीं आ भी सकते हैं। ये देखिए 60-40 स्प्लिट सीट्स भी दे रखी हैं, यानी कि आप एक सीट को लिटा सकते हो, और भी सामान अगर आपको ऐड करना है, तीन बंदे जा रहे हो तो आप उस तरीके से भी एडजस्टमेंट अपने आराम से कर सकते हो। और बेस वेरिएंट से ही फ्रोनेक्स के अंदर 3 अपने को नेक रेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि अपने सेंटर में यहाँ पे भी आ रहे हैं। CNG आप कहाँ से भरवाओगे, तो इस फीचर को लाने में तो अभी मारुति को 5-10 साल लग जाएंगे कि आप इसको दबा के वो कर लो, ये अपने आप खुल जाए। इसके लिए भाई हमको जैसे पहले हुआ करता था भाई, यहाँ से खुलता है पेट्रोल का, तो जैसे हम बाहर से अगर CNG वगैरह लगवाते हैं अपने उसमें तो उसका आगे बोनट की साइड पे होता है ना, लेकिन यहाँ पे CNG नेचुरल गैस जो अपनी होती है यहाँ से CNG डलती है, और हमको पेट्रोल अगर डलवाना हो तो पेट्रोल का जो सिस्टम भी अपने को यहीं पे देखने में मिल जाता है। अभी CNG का भाई क्या है ना, थोड़ी महंगी है कई कई स्टेटों में, तो भाई पेट्रोल से भी महंगी आ रही है। जैसे उत्तराखंड में बात करोगे 96-96 रुपए की आ रही है, तो
तो लोग सोचते हैं कि फिर मैं सीएनजी क्यों लूं भाई, पेट्रोल ही अच्छा ऑप्शन है। तो भाई बात कहीं ना कहीं आपकी शिफ्ट हो जाती है माइलेज के ऊपर। पेट्रोल में देगी गाड़ी 19-20 की माइलेज, लेकिन वहीं अगर सीएनजी की आप बात करोगे, प्यार से चलाओगे उसी लेवल की जितनी आप 19-20 पेट्रोल में निकालोगे, तो 29-30 तक भी फ्रोनेक सीएनजी के अंदर दे देती है। तो 10 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से आपका फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए लोग सीएनजी ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिनको एज ए पैशनेट नहीं है जो भगाने वगाने के मामले में, जिनको केवल गाड़ी ऐसे डेली मर्रा की जिंदगी में फ्यूल एफिशिएंट चाहिए, स्मूथ चाहिए, एसी अच्छा चाहिए, तो फिर ये परफेक्ट ऑप्शन है। और टेंशन फ्री जीवन चाहिए कि भाई इंश्योरेंस वगैरह में कल को कोई दिक्कत ना हो, तो सीएनजी आप कंपनी फिटेड लगवाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं डेल्टा के भीतर भाई। इस तरीके का आपको मिलता है भाई ये थीम, चारों पावर विंडो मिलती है, वन टच ऑटो ये वाली मिलेगी आपको ड्राइवर साइड, ठीक है। लोकल लो का बटन है, इसमें स्पीकर वगैरह आपके ऐड हो जाते हैं। सिग्मा में स्पीकर स्टीरियो वगैरह अपने को देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अलावा स्टेयरिंग पे बात करोगे तो भाई यहाँ पे अपने को स्टेयरिंग कंट्रोल ऐड हो जाते हैं, जो कि सिग्मा में ऑब्वियसली नहीं होंगे। और जो सीट रहेगी इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। डेल्टा प्लस में जाओगे फ्रोनेक्स में तो हाइट एडजस्टेबल सीट आती है, ये मेरे को सबसे बेकार बात लगती है इनकी। लेकिन आप तो मार्केट इसका भी जुगाड़ के रोल बाग वगैरह हमको देखने को मिल जाता है। अच्छा, फ्यूल में अगर आपको सीएनजी में स्विच करना हो पेट्रोल वगैरह में, उसका बटन यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे, एसी वेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। मीटर इस तरीके का आएगा भाई, जहाँ पे टैकोमीटर ये रहा, स्पीडोमीटर ये रहा, और यहाँ पे हमको पता चलता है कि सीएनजी कितनी है, पेट्रोल यहाँ पता चलता है, टाइम, टेम्परेचर, और सीट बेल्ट किसने नहीं लगा रखी है, पीछे तक का भी यहाँ पे बताता है रियर सीट पे, वो पता चल जाएगा आपको। ऊपर नीचे कर सकते हो केवल, आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी गाड़ी में आ रहा है, और ये सारा प्लास्टिक है, ब्राउन कलर में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं समझे कोई लेदर वेदर है। फोन उठाने का, काटने का, वॉइस कमांड के फीचर यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे लाइट वगैरह कंट्रोल है। और जो स्टीरियो है वो यही है भाई 7 इंच का, जो बलेनो के टाइम से था, लेकिन अब इन पे ना इन्होंने इंटरफेस बदल दिया इसके अंदर, जैसा ब्रेजा वगैरह में आने लग गया, टॉप मॉडल्स में ग्रैंड विटारा वगैरह में, अब इन्होंने उस टाइप का थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा एंड्रॉइड वाली फील देता है। और इसके अंदर वायर्ड हमको कारप्ले देखने के लिए मिल जाता है भाई, तो अपना कारप्ले भी चलने लग जाता है। बेस्ट चीज इस वाली डेल्टा में अपग्रेड करने की यही है कि आपको आफ्टर मार्केट वो चाइनीज से स्टीरियो नहीं डलवाने पड़ते भाई। कार्बन फाइबर फिनिश आ रही है यहाँ पे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल से आ रहा है, 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पे, अपना 2 कप होल्डर हमको मिल रहे हैं, 5 गियर आएंगे पेट्रोल में यहाँ पे, इसकी हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट आपको डेल्टा में नहीं मिलेगी, आफ्टर मार्केट जुगाड़ करवा रखा है, तभी इसकी क्वालिटी थोड़ी आप देख रहे हो ऐसे है। डेल्टा में आर्मरेस्ट देना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई ये जरूरी चीजें तो होनी जरूरी, मतलब चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे हमको मिलता है इसका ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे हमको मिल जाएंगी इसकी लाइट, जो कि आप खुश ना हो कि एलईडी है, बाहर से लगवा रखे, वैसे इसके अंदर भाई हेलोजन आता है, ये आ जाता है अपना डे नाइट IRM, जिसको हमको मैनुअली खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। बलेनो में जेटा में पहले उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक आता था, बड़ा तगड़ा लगता था भाई। यहाँ पे आता है भाई इसमें एक मिरर भी, चारों स्पीकर आ रहे हैं भाई चारों डोर्स में, एवरेज क्वालिटी है भाई, इतना कुछ ज्यादा धमधम भी वो ना करे, पर हाँ एक एवरेज सुनने के लिए तो काफी सही है। मतलब अगर आपको ज्यादा म्यूजिक का शौक नहीं है तो आपको वो भी अच्छे लगेंगे, इतने बुरे भी नहीं है कि भाई आवाज बहुत ज्यादा फट रही हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, पीछे कोई भी आपको यूएसबी पोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे अपना कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस दे रखा है। यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक नेक रेस्ट जरूर से दे रखा है। पार्सल ट्रे आपकी ऐड हो रही है, यहाँ पे भी आपको एक लाइट मिल जाती है, इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो सीट बेल्ट के अकॉर्डिंग। और ओवरऑल इंटीरियर ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको स्विफ्ट डिजायर वाला फील देगा ये वाला स्टीयरिंग व्हील। और जो डोर्स वगैरह पे एमए लाइटिंग और ये सब आप देख रहे हो, ये भी भाई कुछ भी नहीं आता कंपनी से, सारा प्लास्टिक का पार्ट आएगा, इस पे भी लेदर बाहर से आफ्टर मार्केट चढ़वा रखा है। इस तरीके से मतलब आप भी अगर आपको शौक है तो इंस्पिरेशन ले सकते हो। ग्रैंड विटारा हो गई आजकल, इनकी बलेनो हो गई, सब में सेम सा ही इंटीरियर देखने के लिए मिलता है आजकल, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं मारुति गाड़ियों में। चलो भाई सबसे मेन इसका इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, सीएनजी के साथ आपको क्या कुछ मतलब मेन देखने के लिए मिलता है भाई। तो इसमें आता है भाई आपका 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो 83 bhp निकालता है। ये पावर फिगर जो मैंने आपको बताया पेट्रोल के अंदर है, वो ही बता, जैसे कहते हैं ना कई लोग कि सीएनजी और पेट्रोल में पावर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने मिलता है, वो इसलिए मिलता है भाई, सीएनजी में इतनी पावर नहीं निकालता इंजन, आपको उसमें मिलेगी 76 bhp के लगभग। लेकिन जैसे मैंने ड्राइव करी तो मेरे को तो इतना कुछ मेन ज्यादा डिफरेंस भी पता नहीं चला भाई। फ्रोनेक्स के अंदर स्मूथ गाड़ी चलती है, कोई नॉइज नहीं करती, कुछ नहीं, एकदम ऐसा लगता है कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी आप चला रहे हो। पेट्रोल इंजन जो इनके पहले ही बहुत ज्यादा स्मूथ है, और आपको अगर यकीन नहीं होता तो एक मिनट में सेल्फ मार के दिखाता हूँ आपको इंजन वगैरह, देखना ये देखो बिल्कुल, मतलब जबकि यहाँ पे बोनट खुला हुआ है तब भी कुछ पता ही नहीं चलता कि खुल रहा है नहीं खुल रहा। अब जैसे एसी स्टार्ट होगा अपना तो कंप्रेसर आवाज करने लग जाता है, जो कि लाजमी है भाई। इवन इतना साइलेंट इंजन होने के बाद भी मारुति ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी, चलो बहुत अच्छी बात है कि इंसुलेशन यहाँ पे प्रॉपर दे रखी है, और मेन इंजन कवर भी इस गाड़ी के अंदर दे रखा है। लेकिन बलेनो में बहुत जल्दी पड़ जाया करता था, जैसे तो क्योंकि हल्की क्वालिटी का है, नीचे से कहीं से भी लगी पूरा नीचे आ जाता था। लेकिन इसका भी पता चलेगा भाई कैसी क्वालिटी है, लेकिन इन्होंने इस बार अपनी फ्रोनेक्स के अंदर सारी चीज़ें सुधारी तो हैं। और सीएनजी के साथ भाई 98 Nm का टॉर्क मिलेगा हमको इसके अंदर, और 180 km/h की टॉप स्पीड तक भी सीएनजी के अंदर ही जा सकती है बड़े प्यार से। तो भाई अब ये मेरे को देगी फुल मजा, एंडेवर को निकाल के यार ये इससे मैं मजा लूंगा। 28 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है इससे, यानी कि 1 किलो सीएनजी आ जाती है हमारे यहाँ पे भाई 80 की, और दिल्ली में तो मेरे ख्याल से 73 से 75 रुपये में बताओ 28 किलोमीटर गाड़ी चले, यार कितना सस्ता जुगाड़ बैठ रहा है भाई।
इसलिए ये गाड़ी बेस्ट है, इतनी ज्यादा वेटिंग पे है और इतने ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं और आजकल ये की लिस्ट में भी आ रही है टॉप सेलिंग गाड़ियों में। लॉन्च होते ही 6 महीने के अंदर अंदर इसने एक खिताब हासिल कर लिया भाई, बहुत बड़ी चीज है। मेरे जैसे लोग इसकी कदर कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो। सारे फीचर मिल रहे हैं, सेफ्टी वाइज 2 एयरबैग मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं स्विफ्ट बलेनो फलेनो से तो हल्की सी हैवी ही फील होती है भाई। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, ABS EBD आ रहा है सेफ्टी के नाम पे, बस यही है भाई। और ज्यादा तो आप कुछ इनसे वो कर नहीं सकते कि ESP दे दें या अगर आपको वो हिल डिसेंट फीसेंट दे दें, वो सब इसमें नहीं आता है क्योंकि टॉर्क वगैरह और सब कुछ चीज थोड़ी बैलेंस्ड ही है। थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी बनाने की कोशिश करती है मारुति हमेशा, ना कि जो ड्राइवर एंथुजियास्ट होते हैं ड्राइविंग एंथुजियास्ट भगाएं एकदम, उनके लिए नहीं कि एकदम ओवरटेक करें ये करें वो करें। वीडियो देखने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।